स्वागत करता हूँ मेरे इस YouTube चैनल पर डॉक्टर संजीव सिंह, जहाँ आपको मिलेगी हेल्थ केयर एंड होम रेमेडीज की पूरी जानकारी। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे, होता क्या है, क्यों फीमेल्स में ये ऑलमोस्ट 70% फीमेल्स में कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, हालांकि सबसे ज्यादा देखा गया है आफ्टर मैरिज 28 या 29 ऑलमोस्ट 30 की उम्र में ज्यादातर ये देखा जाता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिस्ट हो जाते हैं। कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, क्या कॉज है, ट्रीटमेंट क्या है, मेडिटेशन क्या है, ईच एंड एवरीथिंग आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप इस चैनल पर नए आए हो, क्योंकि मैं ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। Dr. Sanjeev Singh, here you'll be getting complete and authentic information about medicine, healthcare and home remedies. So please subscribe to our channel and hit the bell icon so you never have to go anywhere else ever again. Thank you. So, dosto, shuru karte hain video. PCOS, Polycystic Ovarian Syndrome. To pehle jo log kehte hain PCOD and PCOS both are same thing. ऐसा बिल्कुल नहीं है, एकदम गलत चीज है। पीसीओडी एंड पीसीओएस में वास्ट डिफरेंस है, इसको समझना बहुत जरूरी होता है। पीसीओडी, ये जो डी टर्म आ जाता है दैट मीन्स डिजीज, ओके, एंड पीसीओएस जैसा कि हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सिंड्रोम। पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज होता है वो, एंड पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है एचआईवी एंड एड्स के केस में। एचआईवी इज नथिंग बट ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है दोस्तों, एंड एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। कोई चीज, कोई बीमारी जब एक्यूट से क्रोनिक होती है और जब क्रोनिक से पुरानी हो जाती है तो वो सिंड्रोम में कन्वर्ट हो जाती है, वो सिंड्रोम में बदल जाती है। ऐसे ही PCOS, अगर ये PCOD पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज जो है, अगर वो लॉन्ग टर्म तक आपके शरीर में रहती है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, देन इरेगुलर ब्लीडिंग होना, ये सब अगर ज्यादा टाइम तक होता है तो हम उसे टर्म करते हैं सिंड्रोम, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो आशा करता हूं ये जो वर्ड है वो क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, ये होता क्यों है, ये व्हाट इज पीसीओडी, जो भी है व्हाट इज पीसीओएस, इज अ प्रॉब्लम विथ हार्मोनल हार्मोन्स दैट अफेक्ट ह्यूमन। एक हार्मोन्स का जो लेवल होता है उसके कम या ज्यादा होने से होता क्या है पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अब समझ लेते हैं हार्मोन्स, ये हार्मोन्स क्या होता है। दोस्तों, हमारे जैसे व्हीकल होती है, जो गाड़ियां होती हैं उनमें चलने के लिए उनको फ्यूल की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह इंसान के भी शरीर को प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए हम खाना पीना खाएंगे तभी हमारा शरीर हेल्दी होगा। बट व्हीकल में एक और चीज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, वो है ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग। ठीक उसी तरह हमारे बॉडी में भी जो ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग का काम करते हैं हॉर्मोन्स, हमारे बॉडी में एंडोक्राइन सिस्टम होते हैं, ऑलमोस्ट 6 तरह के ग्लैंड्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है हार्मोन सिक्रेट करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, देन पैराथायरॉइड ग्लैंड, थायरॉइड ग्लैंड, पैनक्रियाज ग्लैंड, ये सब ग्लैंड्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देन फीमेल सेक्स हार्मोन्स जो होते हैं जैसे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, मेल्स में जो होते हैं वो टेस्टोस्टेरॉन होते हैं, ये सब हार्मोन्स होते हैं जिनका हमारे शरीर में एक्टिव रहना और प्रॉपर फंक्शनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये प्रॉपर होंगे, प्रॉपर फंक्शनिंग करेंगे तभी हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी और एक्टिव रहेगी। तो ये काम, ये जैसा मैंने जो डिस्कस किया वो होते हैं हार्मोन्स। हार्मोन्स का हमारे शरीर में एक्टिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और एक प्रॉपर फ्लो में होना, ना कम होना ना ज्यादा होना, वो भी डिपेंड करता है, प्रॉपर लेयर में उनको चलते रहना है। तो दोस्तों, हार्मोनल के इम्बैलेंस से होता क्या है
पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। जैसे कि मैंने बताया ये हार्मोनल हार्मोन्स के इंबैलेंस होने की वजह से क्या होगा दोस्तों, जैसे फीमेल्स का जो हार्मोन सेक्स हार्मोन होता है वो दो चीज होता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का काम होता है ओवरी से एग रिलीज करना, उसे मैच्योर करना, इतना काम वो करती है। आगे का प्रोसेस तो एग जब रिलीज होता है, एग जब मैच्योर होता है, रिलीज होता है, तब वो फैलोपियन ट्यूब में जाके जब स्पर्म की यहाँ से एंट्री होती है तो यहाँ पे जाके फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है, जब महिलाएं ओवुलेट करती हैं, ओवुलेशन पीरियड में होती हैं। तो ये काम होता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का। अगर कम हो जाए, एग अच्छे से रिलीज ना हो तो होता क्या है, एग अच्छे से मैच्योर ही नहीं हो पाता। और अगर एग अच्छे से मैच्योर नहीं हो पाता तो इस तरह से वो आप देख सकते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी, ये नॉर्मल ओवरी, यहाँ कोई एग वगैरह एग मैच्योर ही नहीं हो पाता दोस्तों इस केस में। और यहाँ पे क्या होते हैं, सिस्ट बन जाते हैं, इस तरह से आप देख सकते हो ये छोटे छोटे सिस्ट जिसे हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरीज होते हैं। और ये जो ओवरी होती है ये नॉर्मल ओवरीज को हम कहते हैं। तो दोस्तों होता क्या है, सिस्ट एक पानी के फुवारे की तरह होते हैं छोटे छोटे, वो एग ही होते हैं जो अच्छे से मैच्योर नहीं हो पाते। एग अच्छे से मैच्योर नहीं हो पाता तो वहां जाके वो ओवरीज में जाके डिपॉजिट होता रहता है। और एग अगर डिपॉजिट होता रहेगा, इम्प्लांट इमेच्योर एग अगर डिपॉजिट होंगे तो वो एक सिस्ट का रूप ले लेते हैं। और वैसे ही पॉलीसिस्टिक जो ज्यादा टाइम तक रहने से वो क्या हो जाता है, सिस्ट बन जाता है। सिस्ट मतलब सिंगल, पॉलीसिस्ट मतलब एक या एक से ज्यादा, इसलिए कहा जाता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये देख सकते हो, ये फैलोपियन ट्यूब है, ये यहाँ वॉर्म इसको हम यूट्रस कहते हैं, ये कर्वेक्स है, देन वजाइना, स्पर्म की एंट्री यहाँ से होती है दोस्तों, स्पर्म की एंट्री होती है, देन वो फैलोपियन जितने भी जो भी स्पर्म होते हैं वो यहाँ आते हैं फैलोपियन ट्यूब में, यहाँ से ओवरी से एग रिलीज होता है, एग रिलीज होने के बाद मैच्योर होने के बाद रिलीज होने के बाद स्पर्म एंड जो है यहाँ पे ओवरीज में जाके स्टोर सॉरी फैलोपियन ट्यूब में जाता है एंड फिर ओवुलेशन यानी प्रेगनेंसी जो भी है अपना फर्टिलाइजेशन का काम शुरू करता है। तो ये होता है दोस्तों। फीमेल एक और तरह के हार्मोन सीक्रेट करती हैं जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। बहुत ही हालांकि ये मेल हार्मोन है, ये मर्दों का हार्मोन है, लेकिन देन टू फीमेल के बॉडी में पाया जाता है जिसे हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। दोस्तों ये होता क्या टेस्टोस्टेरोन, अगर टेस्टोस्टेरोन कम हो या ज्यादा हो, ज्यादा होने से क्या होता है दोस्तों, अगर वो ज्यादा हो जाए तो सीधी बात है सिस्ट बनने की सिस्ट बन जाता है ओवरीज में। और अगर ये ज्यादा हो जाए तो जैसे बॉडी में अनवांटेड हेयर ग्रोथ हो जाता है, अनवांटेड जैसे बॉडी पे, छाती पे, निप्पल पे, देन स्टमक पे अनवांटेड हेयर का ग्रोथ होता है, देन एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है, बैक पे एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है, देन एक स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है, आवाजें भी चेंज हो जाती हैं, देन यहाँ से एक ब्लेडनेस तरह के शेप आ जाते हैं, हेयर जो होते हैं वो थिन हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं मेल की तरह, और फिर बाल हेयर फॉल होना, बाल झड़ना शुरू हो जाता है, स्टमक वगैरह पे बाल ज्यादा हो जाता है। आपने कहीं कहीं कोई कोई केसेस में देखा होगा कि फीमेल्स को भी मूंछें आती हैं, इसलिए आती हैं, उसमें जो टेस्टोस्टेरोन लेवल की मात्रा होती है हार्मोन्स की वो ज्यादा हो जाती है, और इससे प्रॉब्लम क्या होता है दोस्तों, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो जाता है। तो ये बात, ये जो मैंने डिस्कस किया वो था पीसीओएस के बारे में, क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, वो हम एक एक करके धीरे धीरे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहला इरेगुलर पीरियड्स, इसकी यही खासियत है, अगर ओवरीज में सिस्ट होगा तो इरेगुलर पीरियड, किसी किसी को ज्यादा होगा, किसी किसी को कम होगा, किसी किसी को पीरियड आएंगे ही नहीं, महीना प्रॉपर नहीं आएगा, कभी कभी किसी किसी का ब्लड फ्लो जो होगा, पीरियड का जो ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा होगा उसे हम कहते हैं इरेगुलर पीरियड। जो सिस्ट होते हैं दोस्तों वो कभी कभी इन्फ्लामेशन क्रिएट करते हैं, पेन होता है लेफ्ट साइड में,
और पेन बहुत भयानक होता है ये. आप इवन हम जब पेशेंट आते हैं वो कहते हैं फीमेल्स कोई छोटी जैसे ऑलमोस्ट 18 या 19 ईयर्स की लड़कियां होती हैं उनमें लेफ्ट साइड एक इन्फ्लेमेशन और बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो उनमें सिस्ट की दिक्कतें ज़्यादा देखी गई. ये ऑलमोस्ट फ्रॉम 14 to 44 ईयर्स जब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है तब तक ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पीसीओडी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. तो इरेगुलर पीरियड्स, कुछ कुछ पेशेंट आके कहते हैं डॉक्टर साहब महीना नहीं आया, तो उनसे पूरी हिस्ट्री ली जाती है कि कब नहीं आया, कितना दिन हो गया, पिछली बार आया था कि नहीं, आपका डेट क्या है, ये एवरीथिंग उनको हम पूछते हैं. फिर वो जाके धीरे धीरे वन बाय वन ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस करते हैं हमसे. तो डिस्कस करने के बाद ये पता चलता है कि उन्हें तो इरेगुलर पीरियड्स है, और हम सोनोग्राफी कराते हैं उनमें पता चलता है कि इनको तो सिस्ट छोटी छोटी गांठें हैं ओवरीज में. कभी कभी डिपेंड करता है, केसेस कुछ अलग भी हो सकते हैं, जैसे महीना नहीं आता तो हम प्रेगनेंसी किट से जांच करते हैं तो पता चलता है पॉजिटिव, दैट इज अनदर केस. बट अगर पीरियड नहीं आया, टाइम पे नहीं आया, किसी किसी को हैवी ब्लीडिंग हो रहा है या ब्लीडिंग हो ही नहीं रही है 2-3 महीने से, तो उस केस में हमें सोनोग्राफी कराना पड़ता है. सोनोग्राफी कराने के बाद हमें पता चलता है कि इरेगुलर पीरियड्स की वजह जो है वो सिस्ट है. तो दोस्तों हमने दो जैसा मैंने कवर किया, इरेगुलर पीरियड्स एंड हैवी ब्लीडिंग. हैवी ब्लीडिंग इवन जो पीरियड्स होते हैं और ऑलमोस्ट सभी फीमेल्स के ऑन एन एवरेज 5 डेज होते हैं, बट पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पीसीओडी के केसेस में ये जो ब्लीडिंग होती है ऑलमोस्ट 7 डेज या 10 डेज या किसी किसी को 15 डेज तक कंटिन्यू ब्लीडिंग होती है. तो उस केस में हमें जैसा मैंने बताया कुछ कुछ मेडिकल टेस्ट लगते हैं, टेस्ट करने के बाद हम अपना डिसीजन आगे डिसाइड करते हैं क्या करना चाहिए. तो हैवी ब्लीडिंग के लिए तो ऑलमोस्ट 15 डेज तक ब्लीडिंग जाता ही रहता है और हैवी ब्लीडिंग होता है. तो ये तो मैंने डिस्कस कर दिया. थर्ड हम डिस्कस करेंगे हेयर ग्रोथ. जैसा मैंने बताया अगर फीमेल्स में टेस्टोस्टेरोन लेवल की मात्रा, हार्मोन की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो अनवांटेड हेयर ग्रोथ होता है बॉडी पे, बैक पे, स्टमक पे, इवन निप्पल पे भी, आगे जो निप्पल होता है वहाँ पे भी अनवांटेड हेयर ग्रोथ हो जाते हैं. कभी कभी मूछें आ जाती हैं, देन ब्लेडनेस हेयर पतले हो जाते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, टकले हो जाते हैं. इवन जो ये सब हेयर्स आते हैं वो भी किसी किसी को फीमेल्स में आते हैं, पैर में भी हेयर्स का ग्रोथ होने लगता है. ये सब होता है टेस्टोस्टेरोन लेवल जो होता है वो फीमेल्स में ज़्यादा हो जाए तो. देन एक्ने मैंने डिस्कस किया, एक्ने की दिक्कत हो जाती है, पिंपल्स आने शुरू हो जाते हैं, देन फोड़ियाँ आने इवंस शुरू हो जाती हैं, बैक पे भी छोटी छोटी रेडनेस बॉइल्स हो जाते हैं, और बॉइल्स में पस फॉर्मेशन होता है, पका होता है, पस होता है. देन सबसे इम्पॉर्टेंट मैं इस टॉपिक पे कवर कर सोचा था मैं स्टार्टिंग में डिस्कस करूँ, इसलिए मैंने इसको नीचे रखा था ताकि मैं इसमें डिटेल में एक्सप्लेन कर सकूँ. सबसे ज़्यादा पीसीओडी की समस्या ऑलमोस्ट जो ओवरवेट हैं या ओबेसिटी या मोटापा की शिकायत है उनमें ही ज़्यादा देखा गया. ऑलमोस्ट 70% ऑफ फीमेल जिसमें पीसीओएस की समस्या होगी, जिनको पीसीओएस होगा उनका वेट ऑलमोस्ट ओवरवेट होंगे या ओबेसिटी होगा या मोटापा होगा, हमेशा ये मैंने देखा है. तो वेट गेन इज वन ऑफ द मेजर इश्यू. क्या होता है दोस्तों, अगर महीना टाइम पे नहीं आता, ब्लीडिंग टाइम पे नहीं होती और सिस्ट अगर ओवरीज में सिस्ट हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वेट गेन होना शुरू हो जाता है. वेट गेन होने के वजह से होता है क्या, पीरियड और जो थोड़े बहुत आते भी हैं वो भी टाइम पे नहीं आते हैं. तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इश्यू जो है पीसीओएस का वो है वेट गेन. तो जैसा मैंने बताया वेट अपना मैनेज रखें, कम से कम रखें, और एक प्रॉपर हेल्थी डाइट लेने की वजह से भी ये दिक्कतें कम हो सकती हैं. देन डार्कनिंग ऑफ स्किन, फॉर एग्जाम्पल जो सनबर्न हम देखते हैं, सनबर्न हो जाता है ये साइड,
पूरा डार्कनिंग ऑफ स्किन हो जाता है, ठीक उसी तरह PCOS के केसेस में भी होगा। कुछ कुछ फीमेल्स को अगर आपने नोटिस किया होगा, अगर PCOS की जिसमें समस्या होगी उसकी इस तरह से स्किन जो फोरहेड होते हैं या यहाँ जो चीक्स के पास जो स्किन होती है डार्क हो जाती है, इवन हाथ पैर के भी स्किन थोड़ी ब्लैक हो जाते हैं, तो ये सिम्टम्स उनमें ज़्यादातर देखा गया है। देन हेडेक, लास्ट हेडेक दोस्तों सीवियर हेडेक होता है, इवन जो माइग्रेन के जो केसेस होते हैं माइग्रेन में जो हेडेक होता है ठीक उसी तरह का हेडेक होता है। इस केसेस में भी हेडेक सीवियर होगा, माइग्रेन का जो हेडेक होता है वन साइड पेन होता है, एक तरह का फटना बोल दो या कोई ऐसा लगे कोई हथौड़ी मार रहा है ठीक उसी तरह का हेडेक की भी शिकायत होती है PCOS में। बट सबसे मेन जो मेजर था वो है इरेगुलर पीरियड्स, हैवी ब्लीडिंग एंड ओवरवेट वेट गेन, ये तीन मेजर इश्यू होते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम डिस्कस करेंगे, तो आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि हाउ PCOS अफेक्ट्स अवर बॉडी। सीधी बात है, फीमेल में अगर प्रेगनेंसी कंसीव होने में दिक्कत आ रही है तो कुछ कुछ साइड इफेक्ट उनके बॉडी पर भी होता है, ये बहुत रेयरली होते हैं बट होते हैं। ये सारे पॉइंट उसी से रिलेट करते हैं, तो धीरे धीरे वन बाय वन ईच एंड एवरी पॉइंट को कवर करेंगे, मैंने हाईलाइट कर दिया है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको भी समझने में, तो एक एक करके धीरे धीरे पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एंड्रोजन लेवल, एंड्रोजन लेवल जैसा मैंने बताया एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, फीमेल में भी एक मर्दाना हार्मोन होता है, मेल हार्मोन होता है, वो थोड़ा बहुत फीमेल में भी प्रोड्यूस होता है टेस्टोस्टेरोन लेवल, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन फीमेल में भी होता है। अगर वो हद से ज्यादा हो जाए तो सीधी बात है उनमें मेल के जैसे उनके शोल्डर होते हैं, देन बॉडी पे हेयर ग्रोथ होता है, इवन छाती पे होता है, निप्पल के अराउंड होता है, देन स्टमक पे बाल होता है, इवन आप देखेंगे चिन पे भी हल्के हल्के जैसे हल्के हल्के बाल निकल जाते हैं, इवन जो सर के बाल होते हैं वो थिन हो जाते हैं और हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, ये सब होता है एंड्रोजन लेवल का बढ़ना। तो इससे ये भी देखा गया है कि उनकी आवाज़ों में भी फर्क हो जाता है, एक मेल के तरह जो मोटी और एक हैवी वॉइस होती है वो फीमेल में कन्वर्ट हो जाती है, तो ऐसा कुछ साइड इफेक्ट देखा जाता है फीमेल के बॉडी पर। आगे बढ़ते होते हैं तो दोस्तों इनफर्टिलिटी सबसे मेन एंड इम्पॉर्टेंट कॉज, हमने पूरे वीडियो में यही डिस्कस करते आए हैं, यहाँ पर भी वही पॉइंट है इनफर्टिलिटी। तो PCOS इज वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी इन वुमेन, जैसा दोस्तों अब ये कोई नई बात तो नहीं है, जैसा हम पूरे टॉपिक में डिस्कस करते आए हैं कि इनफर्टिलिटी का सबसे मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट मेजर कॉज है वो है PCOS। सीधी बात है, यहाँ से ये जैसे मैंने बताया ये सिस्ट है दोनों, ये नॉर्मल सिस्ट है एंड पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिस्ट है, यहाँ से ओवरी से एग रिलीज नहीं होगा तो एग मैच्योर नहीं होंगे एंड उसके बाद रिलीज नहीं होगा तो प्रेगनेंसी के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होंगे। तो दोस्तों यहाँ से स्पर्म इनसाइड वजाइना एंटर होता है तो यहाँ पे इनका प्रोसेस स्टार्ट होता है फर्टिलाइजेशन का, ये नॉर्मल ओवरी यहाँ तो हो जाएंगे बट इस ओवरीज में सिस्ट है तो सिस्ट होने की वजह से जो है एग मैच्योर तो हो जाएगा, देन उसके बाद जो है मैच्योर होने के बाद प्रॉपर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फीमेल ओवुलेट नहीं कर पाएगी तो यहाँ से स्पर्म अगर जाता भी है तो कुछ उसका मतलब नहीं होता है क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाएगी ड्यू टू पॉलीसिस्ट, छोटे छोटे सिस्ट है आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, छोटे छोटे ओवरीज में छोटे छोटे सिस्ट हो जाते हैं, तो ये दिक्कतें होती हैं दोस्तों बिकॉज ऑफ सिस्ट प्रेगनेंसी कांट बी पॉसिबल। आगे बढ़ते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ओवर 80% ऑफ वुमेन विथ PCOS आर ओवरवेट और ओबेसिटी, ऑलमोस्ट इवन मेरे पेशेंट के कुछ एग्जांपल मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अभी तक कुछ ऑन एन एवरेज मैं डिस्क्लोज तो नहीं करूँगा मैंने कितने PCOS के केसेस देखे हैं, बट जितने भी देखे हैं दोस्तों फ्रेंकली स्पीकिंग सब में The woman was overweight और या तो obesity की उनमें दिक्कतें थी, हद से ज़्यादा वजन था या फिर मोटापा था।
एंड बिकॉज ऑफ दैट दैट लीड्स टू PCOS. जब तक आप ओवरवेट हो या मोटापा है, चर्बी है, फैट है, ओबेसिटी है, तब तक प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी. ये वन ऑफ द मेन मेजर कॉज है PCOS का. मैं एक बार और रिपीट करता हूँ दोस्तों, ओवरवेट, लॉट्स ऑफ जंक फूड, देन इम्प्रॉपर डाइट, देन लैक ऑफ एक्सरसाइज, देन जैसा मैंने बताया इम्प्रॉपर डाइट, जंक फूड, बाहर का यूज होने की वजह से फैटी फूड, देन ये सब होने की वजह से क्या होता है ओवरवेट. और ओवरवेट होने की वजह से दोस्तों ये जो आज का जो टॉपिक है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, पहले डिजीज होती है उसके बाद वो सिंड्रोम में कन्वर्ट हो जाता है. तो सीधी बात है, अंडरवेट रहना, देन वेट को प्रॉपर मेंटेन करना, हेल्दी डाइट लेना, ये सारे चीजें आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल दिला सकती हैं और आप इन सब चीजों से तो दूर ही रह सकते हो. देन इससे होगा क्या दोस्तों, ओवरवेट एंड और हैव ओबेसिटी से दोस्तों अब देखो दिक्कतें क्या क्या आती है. इंक्रीज द रिस्क ऑफ HbS, दैट इज हाई ब्लड शुगर. सेकेंड, हाई ब्लड प्रेशर. दो को डिस्कस करते हैं, वेट ज्यादा है, मोटापा है, फैटी है, देन ओवरवेट है, उससे होगा क्या दोस्तों, हाई ब्लड शुगर. शुगर, लॉट्स ऑफ जंक फूड, फैटी फूड से होगा क्या, बॉडी में जो है शुगर का लेवल बढ़ जाएगा, और शुगर का लेवल बढ़ जाएगा तो दैट इनडायरेक्टली लीड्स टू PCOS. अब जो नॉर्मल शुगर का रेंज होता है फास्टिंग में डिस्कस कर रहा हूँ, FBS जिसको कहते हैं वो 70-100 होना चाहिए, एंड PPBS दैट इज खाने के बाद वाला जो शुगर होना चाहिए वो 100 से लेके 140 के बीच में होना चाहिए. हम फीमेल्स आती हैं, हम जैसे उनका सोनोग्राफी कराने के बाद पता तो चलता है सिस्टर, तो उसके बाद अगर वो ओवरवेट होते हैं तो हम उनका शुगर लेवल भी चेक करते हैं. अगर शुगर लेवल बड़ा होता है तो उसको हम कंट्रोल करने के लिए मेटफॉर्मिन वगैरह कंटेंट नामक दवाइयां चालू करते हैं. तो शुगर लेवल भी कंट्रोल रहना, एक लिमिट में रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन सब चीजों के लिए. देन हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर भी दोस्तों एक एक ओवरवेट और ओबेसिटी की निशानी है. अगर आपका वजन ज्यादा है या फिर आप मोटे हो, जंक फूड का इंटेक करते हैं, दैट उससे होगा क्या दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर, प्रेशर भी आपका बढ़ने की आशंका रहेगी. देन यहाँ पे लो HDL, लो HDL गुड कोलेस्ट्रॉल. अब ये समझ लेते हैं दोस्तों लो HDL होता क्या है, दैट इज हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, एंड ये हाई ये लो HDL, दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं. एक होता है HDL एंड LDL. HDL इज गुड कोलेस्ट्रॉल, उसे गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहा गया है, एंड LDL को लो दैट इज बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहा गया है. एक कोलेस्ट्रॉल दोस्तों होता क्या है, कोलेस्ट्रॉल एक बैक्सी सब्सटेंस होता है जो हमारे लीवर से प्रोड्यूस होता है. हमारे बॉडी को हार्मोन्स उसकी जरूरत पड़ती है एक प्रॉपर हेल्दी हमारे शरीर को वर्क करने के लिए. बट कुछ कुछ जैसा मैंने बताया लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन दोस्तों बहुत ही हानिकारक है हमारे हार्ट के लिए, हमारे बॉडी के लिए. अगर ये ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होते हैं तो हमारे जो वेन्स होती हैं, जो आर्टरीज होती हैं, उनमें जो जैसा मैंने बताया कोलेस्ट्रॉल एक बैक्सी सब्सटेंस है, एक चिकनाहट तरह का पदार्थ हमारे आर्टरीज के वॉल्स में जाके जमा होने लगते हैं. और अगर वॉल्स में इस तरह का बैक्सी सब्सटेंस जाके जमा होने लगता है तो क्या होता है दोस्तों, ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं होता हार्ट में. और अगर हार्ट में ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं होता तो हार्ट अटैक या स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं. इसे दोस्तों इसे बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहा गया है. एंड हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन दैट इज ये इसे गुड कोलेस्ट्रॉल इसलिए कहा गया है, ये हमारे हार्ट को प्रॉपर फंक्शनिंग करता है दोस्तों. ये हार्ट के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए HDL दैट इज हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें और भी आते हैं वेरी लो
डेंसिटी लिपोप्रोटीन वो अलग टॉपिक हो जाएगा। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है PCOS, तो कोलेस्ट्रॉल कभी नेक्स्ट हम वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो आप इतना समझ लो, लो जो जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, एंड जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है वो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है हमारे हार्ट के, हमारे बॉडी के लिए। देन जैसा मैंने बताया, इससे हार्ट डिजीज के चांसेस बढ़ जाएंगे, शुगर बढ़ जाएगा, देन स्ट्रोक के भी चांसेस बढ़ जाएंगे। सीधी बात है, अगर हार्ट में प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं होगा तो आर्टरीज ब्लॉक हो जाएंगी, ब्लॉक होने के बाद हार्ट डिजीज, देन स्ट्रोक, सडन बोलते हैं हार्ट अटैक आ गया, ये सब चांसेस बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑफ LDL, दैट इज लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। देन डिप्रेशन इज वन ऑफ द मेजर इश्यू। अब इससे PCOS से डिप्रेशन का क्या लेना देना है वो डिस्कस करते हैं। जब जैसे मैंने बताया, टेस्टोस्टेरोन लेवल फीमेल्स में ज्यादा हो जाएंगे तो एक बॉडी में हेयर ग्रोथ बढ़ जाते हैं, एंड दैट पुट नेगेटिव इफेक्ट ऑन आवर इमोशंस। एक तरह का हम खुद से ही हम अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। हैरी अगर चेहरे पे बाल हेयर फॉल होता है या स्टमक पे, छाती पे बाल आता है, तो हमें लगता है कि हमें खुद से एक हम कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। तो इससे क्या होता है दोस्तों, दैट फीमेल गोज इनटू डिप्रेशन, ये डिप्रेशन, एंड अदर देन दैट वैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रहा है, इनफर्टिलिटी है, तो उससे डिप्रेशन के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, ये होता है। देन डायग्नोसिस, अब हम डिस्कस करते हैं डायग्नोसिस, पता कैसे चलेगा कि दैट फीमेल, दैट लेडी सफरिंग फ्रॉम PCOS या PCOD। इरेगुलर MC, पहले तो देख सकते हो इरेगुलर MC, पहले जब पेशेंट आते हैं तो हम उनसे यही क्वेश्चन करते हैं कि पिछली बार डेट कब आया था, पीरियड कब आया था, महीना कब आया था, तो वो धीरे धीरे डिस्कस करते हैं तो पता चलता है इनका पीरियड 2 महीने पहले आया था। एंड पीरियड रुकने के और बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं, थायराइड हो सकता है, बट हम मेजर जो हम हमारे दिमाग में जो क्लिक होता है, अगर नहीं आया तो आपने प्रेगनेंसी किट से चेक किया है, अगर देन टू नेगेटिव है तो क्यों नहीं आया। फिर उनसे पता चलता है दोस्तों, अगर पीरियड इरेगुलर होगा या हैवी ब्लीडिंग होगी या 2 महीने आया नहीं होगा, दैट लीड्स टू PCOS। देन अगर देन टू कंफर्म नहीं होता है तो हम ये सेकंड जो मैंने बताया, सिस्ट इन द ओवरीज पे सोनोग्राफी करा के देखना पड़ता है कि दिक्कत क्या है, पीरियड क्यों नहीं आया, एंड सोनोग्राफी कराने के बाद पता चलता है कि ओवरीज में जो है सिस्ट है, एंड बिकॉज ऑफ सिस्ट छोटी छोटी गांठें हो जाती हैं, बलून पानी के फवारे जैसे, और उस वजह से होता क्या है दोस्तों, एग अच्छे से मैच्योर तो हो जाते हैं बट रिलीज नहीं हो पाते, ओवलेट नहीं हो पाते, ओवलेट नहीं हो पाते तो दोस्तों प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती, दिक्कत होता है, बच्चा पैदा नहीं हो पाता। स्पर्म यहाँ से एंटर करता है, देन यहाँ पे जो एग होते हैं वो रिलीज ही नहीं हो पाते, उसमें तो सिस्ट है, तो सीधी बात है प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। तो इस तरह से हम डायग्नोसिस कर पाते हैं। देन दोस्तों आगे बढ़ते हैं, मेडिटेशन, क्या क्या मेडिटेशन है, क्या क्या दवाइयाँ ले सकते हैं इसमें, और कैसे इस PCOS जो सिंड्रोम है इसको कम कर सकते हैं, प्रेगनेंसी कैसे कंसीव हो सकती है। तो कुछ कुछ जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आते हैं, बर्थ कंट्रोल पिल्स आते हैं, वो हम देते हैं, फॉर एग्जांपल ओरल देते हैं, 23 मंथ्स का कोर्स होता है। देन कुछ यूट्राइन टॉनिक्स होती है दोस्तों, जो यूट्रस यूट्राइन टॉनिक गर्म टॉनिक होती है, यूट्रस में जो भी वेस्ट है, जो भी कचरा है, उसको निकाल के बाहर करती है, एंड 3 मंथ्स के बाद होता क्या है दोस्तों, पीरियड जो होता है रेगुलर हो जाता है, एंड पीरियड रेगुलर होने के बाद ऑटोमेटिकली प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, जो भी वेस्ट होता है यूट्रस में वो तो निकल गया बाहर यूट्राइन टॉनिक से, जो गर्म टॉनिक होती है, निकलने के बाद प्रेगनेंसी ऑटोमेटिक कंसीव हो जाती है जब संबंध रखते हैं, रिलेशन रखते हैं। देन कुछ बर्थ, जैसे मैंने बताया बर्थ कंट्रोल पिल्स आती है, ओरल एल आती है दोस्तों, ये क्या करती है, जो सिस्ट होते हैं उसे गलाने का काम करती है, उसे मेल्ट करने का काम करती है। सिस्ट अगर एक बार गल जाते हैं देन टू प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड मेडिटेशन, जैसे मेटफॉर्मिन के कोई कंटेंट होते हैं, उससे भी प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। कुछ कुछ जो गांठे होते हैं, जो सिस्ट होते हैं, वो भी मेल्ट करने में मेटफॉर्मिन भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तो हम इसके जो मेडिटेशन होते हैं 3, मैं इवन जो मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है, मैं जो पेशेंट को सजेस्ट करता हूँ, दैट इज
ओरलन मेटफॉर्मिन के कंटेंट एंड कुछ यूट्राइन टॉनिक्स होते हैं वो देता हूँ। 3 मंथ्स का कोर्स होता है। 3 मंथ्स प्रॉपर कोर्स करने के बाद जब पेशेंट आते हैं, किसी किसी को दोस्तों डिपेंड करता है बॉडी पे, किसी किसी को 3 मंथ्स के पहले ही प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, किसी किसी को 3 मंथ्स के बाद भी कंसीव हो जाती है। तो ये सब चीज़ें होती है दोस्तों, ये सब मेडिटेशन को बढ़ना होता है। एंड इसमें होम रेमेडीज आप क्या क्या कर सकते हो अदर देन दैट, मेडिसिन तो आप चालू रखिए बट होम रेमेडीज में फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज योर डाइट। आपको प्रॉपर डाइट आपका प्लान करना होगा, डाइट शेड्यूल आपका बनाना होगा। बाहर का जंक फूड, ऑयली फूड, फैटी फूड जो भी है एवरीथिंग बंद करना होता है दोस्तों। आप सैलेड का यूज कर सकते हो, कम से कम डेली आप आधा किलो सैलेड खा सकते हो अलॉन्ग विद फाइबर्स। फाइबर्स बहुत अच्छे काम करते हैं इसमें। आधा किलो सैलेड, आप आधा किलो सैलेड ज़्यादा मत समझिए, इसमें दो ककड़ी भी नहीं आती। तो दो हम कुकुम्बर लेते हैं एंड कुछ फाइबर डाइट लेते हैं तो उससे दोस्तों सिस्ट ओवरवेट के तो चांसेस कम होते ही हैं, साथ में ओबेसिटी जो मोटापा रहता है, जो टायर्स होते हैं अगल बगल में, वो भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो सकती है, उसका भी सोल्यूशन हो सकता है इसमें। और योगा एक्सरसाइज सुबह के 10 मिनट शाम के 10 मिनट देने से दोस्तों इसमें होगा क्या, आपके प्रॉपर एक जो बॉडी का लैंग्वेज है, जो एक मस्कुलर जो बॉडी चाहिए होती है वो आपको मिलेगी, जो भी फैट होगा वो मेल्ट हो जाएगा। तो डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज, योगा, देन जैसे मैंने बताया आप खाने में सैलेड वगैरह का यूज कर सकते हो, जंक फूड टोटली अवॉइड करना है। राइस भी आप हल्का फुल्का अवॉइड कर सकते हो, इसमें कार्ब्स होते हैं वो आपके एंड ऑफ द डे फैट ही बढ़ाएंगे, उससे कुछ आपके बॉडी में कुछ फायदा नहीं होगा, बस सिवाय पेट भरने से, पेट आपको लगेगा भरा भरा और उससे नींद अच्छी आएगी। अगर कुछ चेंजेस करना है तो आपको ये सब अपने डाइट में सुधार करना पड़ेगा। तो ये सारे हमने आज जो डिस्कस किया, सिम्टम्स, पीसीओएस होता क्या है, सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, कॉज क्या क्या होते हैं, देन इनफर्टिलिटी, उसके बाद में मेटाबॉलिक सिंड्रोम, देन डायग्नोसिस कैसा कर सकते हैं, मेडिटेशन मैंने बताया क्या क्या हम मेडिटेशन ले सकते हैं, ये सारे दोस्तों आप 3 मंथ्स तक आप अगर फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपकी पीसीओएस या पीसीओडी की समस्या दूर हो जाएगी। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही मैं हेल्थ रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। इवन गायनेक से रिलेटेड तो मेरे अकाउंट में खूब सारी वीडियोस होंगी, आप धीरे धीरे वो जाइए रेफर कीजिए, पीसीओएस क्या होता है, पीसीओडी क्या होता है, इनफर्टिलिटी इन वुमेन क्या क्या दिक्कतें आती, इवन मेल स्पर्म कॉन्फिडो वगैरह के बारे में, अगर मेल का स्पर्म धात जो है पतला है उसमें क्वांटिटी या क्वालिटी की कमी है वो कैसे बढ़ाएं, एवरीथिंग मैंने डिस्कस किया है मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप जाइए और इसको देखिए दोस्तों। अगर वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए शुक्रिया।